मंडे। बोला कि वो अपना प्रोजेक्ट मंडे को कंप्लीट करेगा, एग्जैक्ट टाइम दे दिया है आपको कि मंडे को वो कंप्लीट कर ही लेगा, तो आपके पास यूज हो गया बाय का। सेकंड है दे विल कम बैक बाय नेक्स्ट वीक। अब पूरा डेफिनेट टाइम बता दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है वो वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यूज कर ली प्रेपोजिशन बाय। यहाँ पे प्रेपोजिशन बाय के बाद आती है विद। विद का मतलब होता है साथ। तो जब हमने कोई रिलेशन बताना हो, टूल्स टूल्स हो गए, जैसे ये स्टिक हो गई, नाइफ हो गया, या फिर आपके पास और भी हो गए लाइक सीजर्स हो गई, ऐसे ऐसे टूल्स के बारे में जब आपने बात करनी हो तब हम विद का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। ही इज कटिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। वह चाकू से सब्जियां काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चाकू है हमारे पास, ये जो नाइफ है ये आपकी टूल है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया प्रपोजिशन विद का। अब सेकंड है वी विल बीट हिम विद अ स्टिक। हम उसे डंडे से पीटेंगे या फिर स्टिक से पीटेंगे। तो यहाँ पे स्टिक जो है एज ए टूल है, तो हमने स्टिक के साथ विद प्रपोजिशन का यूज कर लिया। अब जब हमने टुगेदरनेस शो करनी हो, मतलब एक रिलेशन शो करना हो कि नहीं दोनों दो चीज के बीच में, मतलब उनको आपस में लिंक करना हो, कनेक्ट करना हो, तो कैसे करते हैं हम। फर्स्ट है आई प्ले विद क्रिकेट विद हिम। आई प्ले क्रिकेट विद हिम, मैं और कोई, उस कोई हिम कोई है, ठीक है, उसके साथ क्रिकेट खेलूंगा या फिर खेलूंगी। तो यहाँ पे विद का यूज होगा, मेरे और उसके बीच में बात हो रही है क्रिकेट खेलने की, तो हमने प्रेपोजिशन विद का यूज किया टू शो टुगेदरनेस। ठीक है, सेकंड है ही कुड नॉट टॉक विद हिम। वह उससे बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन का यूज कर लिया विद। एंड देन नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब हमने कोई सोर्स बताना हो कि कोई सोर्स मिल रहा है, कोई चीज मिल रही हो, कोई स्रोत मिल रहा हो हमें किसी चीज से, तब हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन है मिल्क कम्स आएगा, मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। तो काउ हमारे पास सोर्स है और हम सोर्स है और कुछ मिल रहा है हमें, वो है मिल्क, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करेंगे फ्रॉम। ठीक है जी। सेकंड है आई लव द वर्सेस फ्रॉम मैकबेथ। मैकबेथ है, बोला कि मुझे मैकबेथ की, वर्सेस का मतलब होता है पोइट्री ले लो आप या फिर पोइम्स ले लो, जिनको पद्य वगैरह भी बोलते हैं, तो मुझे मैकबेथ के वर्सेस बहुत पसंद है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने प्रपोजिशन यूज कर ली फ्रॉम। नेक्स्ट आ गया टू शो पोजिशनल रिलेशन। जब हमने कोई पोजिशनल रिलेशन बताना हो तब भी हम यूज करते हैं प्रपोजिशन फ्रॉम का। फर्स्ट है मोहित हैड कम फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पे हमने पोजीशन बता दी है कि वो कहाँ से आ रहा है, स्कूल से घर वापस आ रहा है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल प्रेपोजिशन यूज कर ली फ्रॉम। सेकंड में है एलियंस कम फ्रॉम द स्पेस। जो हमारे पास एलियन होते हैं वो स्पेस से आए होते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज कर ली प्रेपोजिशन फ्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन बिटवीन। बिटवीन हम कब यूज करते हैं, जब हमने टू नाउन्स या फिर टू प्रोनाउन्स के बीच कुछ चीज बताना हो तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। कैसे। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स बिटवीन राम एंड हरी। राम एंड हरी हमारे पास दो नाउन्स आ गई, तो बोल रहे हैं कि ये जो फल है ये राम और हरी के बीच बांट दो। ठीक है, दो पर्संस की बात होगी बस, या तो फिर वो नाउन होंगे या फिर प्रनाउन होंगे, तो हम यूज करेंगे बिटवीन का। सेकंड है ही स्लेप्ट बिटवीन मी एंड हिज ब्रदर। तो यहां भी हमने यूज कर लिया बिटवीन का, मी एंड हिज ब्रदर आपके पास नाउन आ गई। ठीक है, प्रनाउन्स आ गई, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया रिलेशन शो करने के लिए बिटवीन का। एंड उसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन अमंग। इट इज यूज वेन पोजेशन इज टू बी शोन एंड देयर आर मोर देन टू नाउन एंड टू प्रोनाउन। ये हमारे पास बिटवीन से उल्टा होता है, जब हमारे पास
हमने कोई रिलेशन शो करना हो या फिर कोई